ये सब कहने की बातें हैं, सब झूठ बोलते हैं, मैं नहीं मानता। अगर है तो क्या हड्डियाँ डाल रहे क्या पीस के? बताओ मेरे को, जो हिंदुओं से बच के सीक्रेट मसाला कहाँ चला जाएगा बताओ? हिंदुस्तान में ही मसालों का व्यापार हुआ और हिंदुस्तान से ही छुपाया जाएगा कि सीक्रेट मसाला क्या है? सबसे बड़ी चीज़ मसाला वही है, गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जीरा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़िया चीज़ बन जाती है। जादू ही बढ़िया बनती है इनकी। अच्छा लगेगा तो पैसे लूँगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो पैसे नहीं लेने। नमस्कार, मेरे पास छोले कुलचे मिलेंगे, मूंग की दाल मिलेगी आपको, ठीक है, और चने का पानी मिलेगा जिसे चना सूप भी कहते हैं, और हमारे यहाँ की भाषा में तरी बोलते हैं, तरी बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है मेरे पास, सूप, चने का पानी। क्यों अंकल? ये छोले लग रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में दाल भी डालेंगे, जो बच्चा भी खा ले, बड़ा भी खा ले, हर कोई खा सकता है इसको। आपको डाल ले, कौन सी दाल रहती है? मूंग की दाल। ये राम राम, आ जाओ बिट्टू भैया। हेलो, चलने दो भैया। वेरी गुड, स्कूल लेके जाकर थोड़ा सा सही सीख देना। 10 रहेगा, ठीक है, बस तेरी दादी की पूछ क्या कर। अरे तू जा रहा है, वो थको क्या कर रहा, चल रहा बता, जा रहा नहीं जा रहा। सबसे पहले ये चने का सूप है, काबली चना था क्या ना, और कालो चना मिशे সেদ্ধ জলটা বের করে সোমবার দিয়ে বানানো থাকে, ঠিক আছে। আর এটার টেস্ট একদম ভালো, অ্যামেজিং, কোনো জায়গা পাবে না কিন্তু এই জিনিসটা আমার কাছে ছাড়া। এটা হচ্ছে কাবলি চানা, এটা মুগ ডাল, ঠিক আছে। আইটেমটা হচ্ছে ছোলে কুলচে, আমি যা বানাই আমার স্পেশালিটি হচ্ছে ছোলে কুলচে। মুগ ডাল তো সব জায়গায় প্রায় পাওয়া যাবে, এটাও পাওয়া যাবে, লেকিন এই জিনিসটা আমার ছাড়া পাওয়া যাবে। आप बंगाली भी बढ़िया बोलते हैं। मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं की है, जन्म भी यहीं का ही है मेरा। मेरे पास जितने भी लोकल आएंगे, इसके बिना अगर ये नहीं होगा ना, हाँ जी, अगर सूप नहीं होगा कोई लोकल रुकेगा नहीं, सूप अनिवार्य है मेरे पास। मैं आपको एक गिलास बना के देता हूँ, तब बढ़िया लगेगा ये। इसमें क्या क्या आता है? इसमें धनिया पुदीने की चटनी है, ठीक है, नींबू डाल लो इसमें थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा काला नमक डालो, उसके बाद ये निकाला सूप और ये गया, ये बन गया आपका सूप, ठीक है, ट्राई करो। इसमें और क्या क्या मसाले होते हैं क्या? सबसे बड़ी चीज़ मसाला वही है, गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जीरा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़िया चीज़ बन जाती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें क्वांटिटी, हमें कितनी क्वांटिटी में डालना है, ठीक है। और स्पेशल कोई मसाला नहीं होता, मैं कहता हूँ स्पेशल कोई मसाला नहीं होता। अगर स्पेशल कोई मसाला है तो आप ओपन करो कौन सा है, गुप्त मसाला क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, सब आपके ऊपर है। हाँ, सब क्वांटिटी के ऊपर है कि हमने इस चीज़ में कितनी क्वांटिटी डालनी है जिससे ये खाने में स्वाद लगे, बस यही है। बढ़िया, बहुत से कहते हैं ना मेरा गुप्त मसाला है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, सब झूठ बोलते हैं, मैं नहीं मानता। अगर है तो क्या हड्डियाँ डाल रहे क्या पीस के? बताओ मेरे को, बताओ ना, आप अपना मसाला बताओ ना, क्यों नहीं जनता के सामने शेयर कर रहे हैं आप मसाला? शेयर करो मसाला, हम शेयर कर रहे हैं मसाला अपना। जो हिंदुओं से बच के सीक्रेट मसाला कहाँ चला जाएगा बताओ? हिंदुस्तान में ही मसालों का व्यापार हुआ और हिंदुस्तान से ही छुपाया जाएगा कि सीक्रेट मसाला क्या है, बताओ मेरे को। फेमस होने के लिए कुछ सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वांटिटी की। भैया मीठी चटनी, प्याज,
ये मूंग की दाल है। है कि नहीं भाऊ जी? हम आपकी सेवा करेंगे, जब ही तो आप दोबारा हमारे पास आएंगे। ये भाऊ जी लीजिए। ये सब पत्ते की रहती है। कौन सा पत्ता होता है? ये आलू का पत्ता होता है। इसमें खाने में थोड़ा स्वाद में परिवर्तन भी आता है। ये तो आलू प्याज है, मिर्ची है, मसाले वाली धनिया पुदीना और इमली होती है, धनिया पुदीना, इमली, तली हुई मिर्ची। हाँ अंगली, टेस्ट कैसा लगा? अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया पर बहुत बढ़िया है और सूप तो बहुत ही अच्छा है। ये स्पाइसी नहीं होने का, इससे कम हो जाएगा। वास्तव में इसमें जो मिर्च है ना, एक तो आपको दिखेगी नहीं, पहले भी नहीं दिखी होगी, है ना, पर लग रही है इसमें। ये मसाले का कमाल है, काली मिर्च है ना इसमें, वो लग। यहाँ तो पता क्या है भाई जी, देखो यहाँ जो बताया जाएगा आपको वही रियल में मिलेगा। छोले की जगह पर मटर नहीं मिलेगा दिल्ली में, तो मटर मिलते हैं। मैं खुद जो है, मान लो कभी अगर दिल्ली आना जाना होता है तो मैं भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ जो नहीं हो। हाँ नहीं नहीं, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए कभी नुकसानदायक ना हो। ऐसा तो है नहीं कि नुकसान नहीं देती है कोई चीज़, सब चीज़ें नुकसान भी देती है और फ़ायदा भी करती है। जादू ही बढ़िया बनती है इनकी। जी आपकी लग रही है फिर। आप मिर्ची कैसे खाओगे ये बताओ? तेज तेज, देख लो, मैं तेज का मतलब तेज होता है मेरे पे। हाँ जी कोई बात नहीं। तली हुई मिर्च, हाँ तली हुई मिर्च का पाउडर बना तो चूरा करके। ना 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 कि भैया को एक्स्ट्रा स्पाइसी बोला था, तो देखते हैं कैसा स्पाइसी है। ये रहा कुलचा, एक बाइट लेते हैं। ये कौन से चैनल पे आता है? इंडियन फूड एक्सप्लोरर। जब बेटा चाय पिएगा। रेट कैसा है आपका? नॉर्मली 40 रुपए। तरी ले तो अच्छा लगेगा तो पैसे लूंगा, अच्छा, और अच्छा नहीं लगेगा तो पैसे नहीं लेने। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सर्दियों में 6 बजे, गर्मियों में 5 बजे। सुबह 6 बजे आता हूँ सर्दियों में, गर्मियों में 5 बजे आता हूँ, और 8:30 तक निमड़ जाता है। ये लो तुम ले जाओ, नहीं तो खड़े रह जाओगे यहीं।
दाल बटर वही मसाले आते हैं। हाँ मसाला थोड़ा सा उसमें एक चीज अलग है वो डालते हैं, जीरा पाउडर जो होता है वो डालना पड़ता है बस हल्का सा। कोई भी चीज़ ना ज़्यादा नुकसानदेह होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा मसाला पड़ जाएगा कड़वाहट आ जाएगी, ठीक है ना। हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा से परे जाना बेकार है। सूप ले गए थे ना वो? ये देना हाँ ले गए। तली हुए में दो सूप दे देना बस आप। मतलब दाल ऐसे ही लोग खाते हैं? हाँ कुलचे से भी खाते हैं वैसे भी खाते हैं। राम जी जय श्री राम जी। थोड़ा गले पे लगेगा ये लेकिन बढ़िया रहेगा। ये काले चने का है मिक्स है। जय श्री राम। हाँ थोड़ा स्पीड है गार्ड के लिए। हाँ बहुत जी इधर से बाबा जी को देना है। ठीक है बढ़िया जी आपका बहुत बढ़िया धन्यवाद।